एक्चुअली पहला फंक्शन नहीं है, लेकिन हाँ पहला जिसमें बहुत सारे लोग आए हैं. इससे पहले एंगेजमेंट हुई है, उसके बाद हल्दी हुई है, और अब मेहंदी हुई है. और बहुत पेशेंस चाहिए मेहंदी लगाने के लिए. बाप रे, 2 बजे से मैं बैठी थी. एटलीस्ट आई थिंक 6 घंटे लगे हैं. तो मुझे जब 6 घंटे लगे मेहंदी लगाने में, तो ये समझ में आया कि हाँ आज मेरी मेहंदी है. मैं एक्चुअली सुबह बहुत इमोशनल हो गई थी. मेरी कुछ फ्रेंड्स हैं, वो मुझे हल्दी लगाते लगाते रो पड़ी, तो मुझे भी रुला दिया. एंड मुझे सारे रस्म ये सब मुझे बहुत अच्छे लगते हैं. और मैंने सलभ को पहले ही कहा था कि मैं शादी चाहे बड़ी करूं या छोटी करूं, मैं रस्म जो भी है वो हर एक करना चाहती हूं. तो मुझे ये सारे बहुत अच्छे लगते हैं. तो जब हमने एंगेजमेंट की तभी भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा था. हल्दी भी मुझे बहुत मज़ा आया. सिर्फ मेरी हल्दी नहीं थी, जितने लोगों ने मुझे हल्दी लगाई मैंने सबको हल्दी लगाई है बदले में. सो इट वॉज टू मच ऑफ फन. एंड अब हो रही है मेहंदी. ये है, अगर ऐसे दिखाऊंगी थोड़ा उल्टा लगेगा. तो काफ़ी कुछ लिखा है मैंने. यहाँ पे काशा लिखा हुआ है, यहाँ पे SNK लिखा हुआ है, यहाँ गणपति का मंत्र है, और यहाँ पे गणपति का फेस भी है. तो और कई इसमें कहीं शलभ का नाम भी है, जो मुझे भी नहीं मिल रहा सीरियसली. तो थोड़ी डिटेलिंग मैंने की थी अपने फंक्शन के पहले. मैंने मेहंदी वाली का बहुत सर खाया था कि मुझे क्या क्या चाहिए. तो वो कुछ छोटी छोटी डिटेलिंग है इसमें. एंड देखते हैं हम कलर कैसे आता है. मैं यही कह रहा था, बहुत बढ़िया किया है जिसने भी काम किया है. एंड यू नो जो डिटेलिंग की है बहुत बढ़िया काम है. और अब मेरा काम है इसमें शलभ ढूंढना. तो मुझे पता है अब इसमें सारे शलभ के अक्षर ढूंढने हैं मेरे को इसमें. It will be. ये बहुत कमाल तरीके से लिखा है. अगर आप लोग भी ढूंढे आपको भी नहीं मिलेगा. बहुत कमाल तरीके से लिखा है. ये हमेशा ही करते हैं. हमेशा ही करता हूँ मैं. हमेशा सब के साथ. ऐसी थोड़ी ना शादी कर रही हूँ मैं. हम दोनों ही बहुत ज़्यादा रिलीजियस है, और हम चाहते थे कि हमारी शादी और एंगेजमेंट दोनों ही या मंदिर में हो या गुरुद्वारे में हो. तो कल गए थे और हमने मत्था टेका और रिंग्स एक्सचेंज की, और बहुत अच्छा लगा. इनफैक्ट ये अपने घुटनों पर चले गए थे, जो मुझे नहीं पता था, और इन्होंने बाकायदा मुझे प्रपोज किया है. एक्चुअली कल प्रपोज डे था, तो यू नो मैंने उस मौके का फायदा भी उठाया. और मुझे लगा शायद यहीं पे अगर ये मना कर देगी तो क्या होगा. बट मैंने थोड़ा सा वक्त लिया हाँ बोलने के लिए, लेकिन फिर कह दिया. मैंने अपनी डिज़ाइनर जो यहीं पे एक्चुअली अनुराधा, मैंने उसका बहुत सर खाया था. और मैं चाहती थी कि सारे लहंगे पहनूं मैं, क्योंकि साड़ीज मैं पहनती रहती हूँ. हर साल गणपति में साड़ीज पहनती हूँ. मैं चाहती थी कि मैं फील लूँ अपनी शादी का, और मैं सारे लहंगे पहनूं. लेकिन हर लहंगा अपने आप से अलग होना चाहिए. तो क्योंकि ये मेहंदी है, तो मैं चाह रही थी कि कुछ ऐसा हो जिसमें दुपट्टा ना हो और कम्फर्टेबल हो, और एट द सेम टाइम बहुत बढ़िया भी लगे. तो ये मैंने सोचा था, और मुझे कुछ चमकीला चाहिए था. तो और मिरर वर्क मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो ये रहा मिरर वर्क. और कुछ ऑब्वियसली अनुराधा का भी दिमाग है. मैंने सिर्फ उससे बताया था कि मुझे क्या चाहिए, तो ये अनु का कमाल है. दैट्स इट. और कल जो लहंगा होगा वो अलग होगा, परसों जो होगा वो अलग होगा. तो तब आप बताना कि कितनी मेहनत की है मैंने, और सही किए कि नहीं. थैंक यू सो मच. एंड मेरी हर मुश्किल वक्त में आपने मेरा साथ दिया है. हमेशा मेरे साथ खड़े रहे हैं आप सब. मेरी खुशी का हिस्सा बनने आप सब आए हैं. मैं हाथ तो नहीं जोड़ सकती, थोड़ा जोड़ने की कोशिश करती हूँ. आप सबको बहुत 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 शुक्रिया. एंड आप सब आइए और मुझे दुआ दीजिए. वेरी मच.